हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे चैनल में स्वागत है। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं इंडियन रेलवे में आई हुई वैकेंसी के बारे में। तो इसके रिगार्डिंग हम जो है डिटेल में बात करेंगे, जानेंगे क्या है इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, जैसे कि एजुकेशन क्वालिफिकेशन, देन यहाँ पे कौन कौन से कैंडिडेट जो है फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं, एज लिमिट, सिलेक्शन प्रोसीजर, ये सारी चीज़ें जो है हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। एक वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे और बता दूं, आप हमारे चैनल में और भी रिक्रूटमेंट देख सकते हैं, जैसे कि हमने ऑल इंडिया लिमिटेड के रिगार्डिंग वीडियोस बना रखा है, टाटा स्किल के रिगार्डिंग वीडियो बना रखा है, भारत इलेक्ट्रॉनिक के रिगार्डिंग, ऐसी बहुत सारी वैकेंसी है जिसको हमने बता रखा है। अगर आपने वो वीडियोज़ नहीं देखा है उन्हें देख लें और लास्ट डेट खत्म होने से पहले जो है फॉर्म को फिलअप कर लें। सो फ्रेंड, स्टार्ट करते हैं हम इंडियन रेलवे में आई हुई वैकेंसी के बारे में। सबसे पहले मैं बता दूँ, यहाँ पर जो इंडियन रेलवे है उसमें साउदर्न इंडियन रेलवे में जो है ये वैकेंसी क्रिएट हुई है। ये वैकेंसी के जो पोस्ट का नाम है, एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट, डाटा एंट्री ऑपरेटर और डिजिटल ऑफिसर, ऑफिस असिस्टेंट के लिए जो है यहाँ पे वैकेंसी है। ये जो वैकेंसी है आपका कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे है। तो यहाँ पे जो नंबर ऑफ़ वैकेंसीज है उसकी अगर बात किया जाए तो यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ़ वैकेंसीज जो है 94 है, जहाँ पे लेवल पे ऑफ मैट्रिक्स जो है 4 का रखा गया है। जहाँ पे कैंडिडेट की बात किया जाए तो यहाँ पे BSc, BCA, कंप्यूटर साइंस या फिर डिग्री इन एनी डिसिप्लिन के कैंडिडेट जो है फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। 18 लेकर 28 साल जो है यहाँ पे एज लिमिट रखी गई है। तो यहाँ पे एप्लीकेशन फ़ी की बात किया जाए तो एप्लीकेशन जनरल ओबीसी कैंडिडेट के लिए जो है 500 रुपये का रखा गया है। बाकी जो कैंडिडेट हैं, जैसे 500 रुपये जो है इनिशियल रखा गया है, देन 400 रुपीज़ जो है आपका रिफंड हो जाएगा अकॉर्डिंग टू जो इंडियन रेलवे के रिक्रूटमेंट हो रहा है उसके अकॉर्डिंग। यहाँ पर जो है 400 रुपये आपके वापस आ जाएंगे। देन कैंडिडेट जो SC ST और PWD वुमेंस कैंडिडेट हैं, इकोनॉमिकली बैकवर्ड कैंडिडेट हैं, उनके लिए जो है 250 रुपये का यहाँ पे फॉर्म जो है रखा गया है। और ये जो 250 रुपये है ये इनके वापस आ जाएंगे आफ्टर गिविंग द एग्जामिनेशन। तो यहाँ पे सैलरी की बात करते हैं, कितनी सैलरी जो है यहाँ पे प्रोवाइड किया जाएगा। तो यहाँ पे जो सैलरी है ये कंसोलिडेटेड पे है, तो 18,500 जो है जेड क्लास सिटीज़ में, देन यहाँ पे वाई क्लास सिटीज़ की बात की जाए तो 20,000, जो एक्स क्लास सिटीज़ है इसमें जो है 22,000 जो है यहाँ पे सैलरी प्रोवाइड किया जा रहा है। अब हम बात करेंगे इसके मोड ऑफ़ सिलेक्शन की। तो मोड ऑफ़ सिलेक्शन जो है यहाँ पे आपका रिटन टेस्ट होगा, रिटन टेस्ट जो है आपका ऑनलाइन टेस्ट होगा। तो ऑनलाइन टेस्ट में जो है आपके 100 क्वेश्चन जो है ऑब्जेक्टिव आएंगे, इंग्लिश लैंग्वेज में इसी पेपर होगा। यहाँ पे जो है नेगेटिव मार्किंग भी ली गई है, तो 90 मिनट्स का जो है यहाँ पे पेपर होगा। और जो पेपर होगा, जो क्वेश्चन पेपर होगा, उसमें जो क्वेश्चन रहेंगे आपके कंप्यूटर नॉलेज से रहेंगे, बेसिक इंग्लिश से रहेंगे, देन बेसिक क्वांटिटेटिव और जनरल अवेयरनेस के यानी जनरल नॉलेज के जो है क्वेश्चन यहाँ पे पूछे जाएंगे। जो इसका एग्जामिनेशन सेंटर है वो आप जो फॉर्म फिलअप करोगे तो वहाँ पे जो है पूछेगा, या फिर आपके जो परमानेंट एड्रेस है उसके अकॉर्डिंग जो है यहाँ पे होगा। लेकिन ये साउदर्न रेलवे का, इसलिए मोस्ट प्रोबेबली चांस यही है कि यहाँ पे साउदर्न में ही जो है आपका एग्जामिनेशन सेंटर हो। फॉर्म को फिलअप करने के लिए आप जो है www.rrcmas.in पे जाके वहाँ से आराम से डाउनलोड कर सकते हैं ये नोटिफिकेशन। साथ ही साथ आप फॉर्म को भी फिलअप कर सकते हैं और इस रिक्रूटमेंट को और भी बेहतर तरीके से जान सकते हैं। जितनी भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन थी मैंने आपको इस वीडियो के थ्रू बता दिया है। आशा करता हूँ आपको ये जो नोटिफिकेशन और जो इन्फॉर्मेशन है वो पसंद आया है। तो पसंद आया उसको लाइक करना, शेयर करना ना भूलें। साथ ही साथ हमने बहुत सारे वीडियोस जो है अपलोड कर रखे हैं रिक्रूटमेंट से रिगार्डिंग। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखे हैं चैनल के प्लेलिस्ट में जाएं और इनकी लास्ट डेट होने से पहले जो है आप फॉर्म को फिलअप कर लें। देन यहाँ पे आप इंटरव्यू वगैरह भी हमने और इलेक्ट्रिकल जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चन वगैरह भी हमने डाल रखे हैं, वो भी वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होंगे अगर आप टेक्निकल हो। आशा करता हूँ आपको यहाँ से ये जो इन्फॉर्मेशन है वो पसंद आई है। तो यहाँ से हम वीडियो को एंड करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग।